हाय फ्रेंड्स, तो ये एलएपी का जो बोट हाउस राइड है उसके बारे में आज का ब्लॉग होने वाला है। तो ये हमारे होम स्टे का काफ़ी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर से हम निकले और हमने मस्त वाली मैगी खाई थी। मैगी खाने के बाद अब हम निकल रहे और जो ओनर थे जिसका ये होम स्टे है उन्हीं का बोट हाउस हमने रेंट पर लिया है और काफ़ी अच्छा एटमोसफियर रहा और उन्होंने हमें ड्रॉप भी कर दिया है। तो हम यहाँ पहुँच गए। अगर आप बोट हाउस आने वाले हो तो 9 o'clock को पहुँचना होता है, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे बट हम पहुँच गए अच्छे से। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। टोटल 4 फैमिलीज़ है इधर, बट 2 के साथ मतलब इसी फैमिलीज़ के साथ हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। 2 न्यूली मैरिड थे तो वो लोग अपने रूम में ही थे। आई थिंक वो उधर ही इंजॉय कर रहे थे। साइट्स का व्यू और बाकी जगह का व्यू यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। ओवरऑल आई डोंट नो कैसा लगेगा, जैसा जैसे होगा आई विल बी शेयरिंग विद यू। और ये निकल गई हमारी बोट राइड और ये बैक वाटर जो बोलते हैं ना वहीं पे लेके जाती है। अभी इस टाइम पे मैंने फील किया कि लाइक थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे, जैसे आप देख सकते हो ना, मतलब ये ग्रासेस बोल लो, मतलब जो भी है सी, मतलब प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे। आई थिंक क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई थी ओवरऑल, बट नहीं रहती है। और हमें ये आने के बाद वेलकम ड्रिंक्स ऑफर हुई है, उसके बाद फूड वगैरह भी है। तो जैसे होगा आई विल बी शेयरिंग विद यू। और ये निकल पड़ी थी बोट हाउस राइड पे, मस्त मज़ा आ रही थी, अच्छा एटमोसफियर है, अच्छा सा व्यू है, एक बार ज़रूर आना चाहिए। फूड में लाइक 2 ऑप्शंस होते हैं, वेज एंड नॉन वेज होते हैं, सभी जानते हैं, बट दे पहले ही पूछ लेते हैं कि वेज है नॉन वेज है। तो ये हमारे में सब नॉन वेज ही थे तो नॉन वेज फूड ही है। और फिश भी है, फिश सबको 1-1 पीस ही मिलता है और बेबीज़ के लिए कोई अलग से फिश काउंट नहीं रहता है, वो उसमें नहीं रहता है। और हर हर फूड में लाइक थोड़ा सा कोकोनट मिलेगा, ये लोकल सब्ज़ी, दाल और फिर कुछ फ्राई मच्छी रहेंगी। और यही एक वो फिश मिलता है जो वो देते हैं और चिप्स वगैरह है। और खाना अच्छा था, ओवरऑल खाना अच्छा था, लाइक नॉर्थ इंडियन फूड से थोड़ा अलग था बट खाना अच्छा था। और ये हमारा मस्त वाला व्यू है, ये वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है देखने के लिए। और अगर बात करें यहाँ पे ऐसा, अभी आई थिंक ये सीज़न का टाइम था इस वजह से हो सकता है। और अभी ये हमें इवनिंग के स्नैक्स मिला हुआ है, चाय और पकोड़े। चाय नहीं पीते, अगर पीते हो तो अच्छी बात है, चाय पकोड़े आप इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ये एरिया ओके, तो मच्छी की क्लीनिंग यहाँ पे हो रही है जंगलों के बीच में। कैंची से काट रहे हैं। तो काफ़ी देर बैक वाटर में घूमने के बाद वो इस जगह पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे स्टे करके फिर यहाँ से यू आर अलाउड टू, मतलब चूज़ करने के लिए, अगर आपको रात को डिनर में कुछ एक्स्ट्रा वो चिकन देते हैं तो आप कुछ और फूड ले सकते हैं ऐसा। मतलब रात में ये लोग चिकन बनाने वाले। और प्रॉन्स और क्रैब्स, मतलब सी फूड जितने भी और बाकी के फिश भी, बहुत एक्सपेंसिव रहता है। मैंने फील किया नॉर्मल रेंज से आई थिंक डबल या ट्राइस रहता है, बट द थिंग इज दैट क्या, मतलब प्रॉपर आउट एरिया पड़ता है ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव ही आता है। और इस वजह से तो यहीं पे काफ़ी टाइम तक बोट अब यहाँ पे रेस्ट कर दिया गया दिन भर घुमाने के बाद। अराउंड 3 o'clock को ये बंद कर देते हैं इधर, और फिर उसके बाद आपको एक कनाल के थ्रू या फिर एक बोट छोटी सी लेके अलग से जाना होता है, जिसका अलग से चार्ज करना करते हैं ये लोग। फ्रेश मैंगो अभी तोड़ के लाए, चोरी करके। चोरी करके क्या होता है, और कुछ लोग दांत से खा रहे हैं। और यहीं पे साइड में जब रुका था जहाँ से हमने मैंगोज मतलब लिए थे, तो वहाँ पे ये ड्रिंक के लिए भी, मतलब जैसे ताड़ी वाइज रहती है ना वैसे ही कोई लोकल ड्रिंक रहती है, अगर किसी को पीना है तो वो पी लेते हैं। हमारे ग्रुप में किसी ने लिया नहीं था सो आई कुडंट मेक दैट फुटेज, एज हम लोग भी नहीं लेते हैं तो नहीं हो पाया। और यही कैनल में हम लोग ऐसे घूमते घूमते घुमा देंगे वो लोग, इसका अलग से पे करना होता है पर हेड, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 100 या 200 कुछ रहा होगा। फिर उसके बाद ये कनाल आपको 1 hour के आसपास लेके जाएगा, और आसपास सच में कुछ भी नहीं है इधर इतना कुछ।
हम हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए आए थे। और हाँ, ये केक है ना, अगर आपको ऐसा कुछ प्लान करना है तो आपको केक खुद से लेके जाना होता है, वो केक अरेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि विलेज जगह टूर रहता है मोस्ट ऑफ, मतलब जो विलेज साइड रहता है बैकवाटर, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरे हस्बैंड केक लेके आए थे, वरना अगर आप सरप्राइज देने गए पता चला आपको शॉक मिलेगा, क्योंकि ये नहीं हो पाता ना, केक वगैरह नहीं मिलेगी वहाँ पे, कुछ इतना वो चीज़ें नहीं मिलती है, काफ़ी रिमोट एरिया में रहता है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। और ये हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन और पार्टी करने में मज़ा आया था। उसके बाद हम डिनर के लिए गए और डिनर में जैसा उन्होंने बताया था, चिकन था और राइस थी, दाल थी, चपाती खाने वालों के लिए चपाती भी थी, और हमने जो फ़िश ली थी 1000 कुछ पड़ा था, वो फ़िश था हमने फ्राई कराया था। फिर सब लोग ऐसे बैठ के थोड़ा सा नाइट इन्जॉय किया हमने और इसी के साथ सोने चले गए। और ये गुड मॉर्निंग हो गया, मस्त वाला गुड मॉर्निंग, एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग सुथिंग सा एटमोसफियर ये लग रहा था। सब लोग सो ही रहे थे बट सुबह उठने की हैबिट है तो सनराइज़ कैसे मिस किया जा सकता है। तो ये मेरी छोटी सी बेबी भी अब उठ रही है, अब ये लोग ब्रेकफास्ट भी देंगे 9 o'clock को, और उसके बाद फिर ये यहाँ का टूर ख़त्म हो जाएगा। तो जो ब्रेकफास्ट देंगे वो मैं शेयर करूँगी। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली अगर बेबीज़ के साथ भी आते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है। दूध वगैरह भी अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा वो दे देते, फूड के लिए भी अगर बच्चा, जैसे मेरी बेबी चिली वगैरह नहीं खाती, स्पाइसेस नहीं खाती, तो ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मल फूड भी उनसे मांगोगे तो प्लेन बॉयल्ड राइस और दाल भी वो दे देते हैं। और जितना बार भी दूध बिस्किट लो, ये कुछ खा नहीं रही थी तो मैंने दूध बिस्किट इसको मोस्ट ऑफ खिलाया था, वो दे देते हैं, और कंजूसी नहीं करते हैं, पूरा ग्लास दूध का देते हैं। अच्छे से ही हो गया था, मैंने इसको अब ब्रश करा के फिर दूध बिस्किट खिला के ही लेके जाऊंगी, तो मैंने दूध के लिए बोला है वो दे देंगे दूध के लिए। हाँ, ये है कि फैमिली के साथ आओगे तो अलग सा एक्सपीरियंस है, और जो बोट हाउस का साइज देख देख के रेट भी रहता है और ज़्यादा फैसिलिटीज वाले भी होते हैं। मैंने अंदर का नहीं दिखाया, उसमें एक बेडरूम रहता है, मस्त मस्त एसी वगैरह रहती है, बट एसी का टाइमिंग रहता है वो इवनिंग को ही खोलते हैं, इवनिंग 9 o'clock को खोलते हैं और मॉर्निंग को बंद कर देते हैं 6 o'clock को, तो बाकी के टाइम अंदर रूम में जाना इज़ वेरी वेरी हॉट हो जाता है अंदर जाने के लिए। और रूम थोड़ा सा ये हमारा नैरो था बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था बच्चों के साथ, तो फिर और ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को। जल्दी जल्दी चेंज करा कर ब्रेकफास्ट करा कर हम आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यही था ब्रेकफास्ट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।